1 अगस्त को चित्तलवाना थाना क्षेत्र के राणोदर सरहद में गायक कलाकार मफाराम प्रजापत की हत्या कर शव सड़क किनारे फेंकने के मामले में पुलिस ने हत्या का मुख्य आरोपी प्रकाश गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 31 जुलाई की रात को मफाराम प्रजापत की दो हत्यारों ने मिलकर हत्या कर दी थी और उसके बाद शव लावारिस हालत में राणोदर सरहद के सड़क किनारे फेंक दिया था। वही मृतक मफाराम की शिनाख्त भी 4 दिन बाद हुई थी। एक आरोपी को 4 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। वही हत्या का मुख्य आरोपी चितालवाना निवासी प्रकाश कैलाश चंद्र गोस्वामी को पुलिस ने आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है। 1 जुलाई को सुबह सूचना मिली कि नेशनल हाईवे एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी पड़ी है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अज्ञात लाश का वहाँ FSL बुला करके जांच कराई और पहचान नहीं हो पाई। हमने मोर्चरी में शिफ्ट कर दी और उसके बाद प्रयास किए उसकी पहचान के लिए, काफ़ी प्रयास किए सोशल मीडिया से, वीडियो से, अखबार में देकर, उसकी पहचान नहीं हो पाई। 2 दिन बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। SP साहब विकास कुमार शर्मा के निर्देशन अनुसार टीम गठित की गई, ओम प्रकाश जी उज्ज्वल दीप साहब के निर्देशन में, और उसका 24 घंटे के अंदर अंदर उसका पता लग गया। तो परिजनों आके बताया, कपड़े पहचान के, भाई ये हमारा मफाराम प्रजापत ग्राम कालेटी का है मृतक। तो हमने उस क्रम में आगे जांच बढ़ाते हुए दोनों मुलजिम का पता कर लिया है, प्रकाश गोस्वामी और मुन्ना लाल प्रजापत, और हमने उसमें मुन्ना लाल प्रजापत को आज गिरफ्तार भी कर दिया है और उसके अनुसंधान का पूरा अनुसंधान से पूरा खुलासा कर दिया है कि इन दोनों ही व्यक्तियों ने उसको प्रकाश गोस्वामी की पत्नी के अवैध संबंधों के शक में हत्या की। मनोहर बोराना के साथ मैं प्रणव नाइक, BGB TV हिंदी, चित्तलवाना।